धन्यवाद सभापति महोदय। आपने 2018-19 के बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। सभापति महोदय, मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, आंकड़े हमारे बहुत से साथी रख चुके हैं, रिपीट नहीं करूंगा, टू द पॉइंट बात करूंगा। इसलिए निवेदन करता हूं कि 5-7 मिनट में कोशिश करूंगा अपनी पूरी बात रखने की, पूरा अवसर दिया जाए। सभापति महोदय, ये बजट नए भारत के निर्माण हेतु न्यू को सशक्त बनाने वाला बजट है, देश के विकास को बढ़ाने वाला बजट है, 21वीं सदी के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाला बजट है। ये बजट किसान हितैषी, विकास हितैषी, श्रमिक हितैषी, व्यापार हितैषी, आम आदमी हितैषी बजट है, ज़्यादा रोजगार का अवसर देने वाला बजट है, गरीब और मध्यम वर्ग की चिंता को दूर करने वाला बजट है, गरीबों का हेल्थ और छोटे उद्यमियों का वेल्थ बढ़ाने वाला बजट है, मध्यम वर्ग को बचत का ज़्यादा अवसर देने वाला बजट है। इस प्रकार देश के हर वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला ये बजट है, अपितु गाँव, गरीब और किसान को केंद्र बिंदु में रखा गया है। और जैसा कि हमारे SSB प्रधानमंत्री जी ने अपने शपथ ग्रहण से पहले ही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नेता चुने जाने के उपरांत अपने पहले संबोधन में देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा था कि हमारी ये सरकार देश के गरीबों के लिए समर्पित रहेगी, ऐसा उन्होंने करके दिखाया है। और जितनी भी योजनाएं हैं, योजनाएं तो इतनी ज़्यादा हैं कि सबको गिनाने के लिए पूरे दिन का वक्त कम पड़ जाएगा। जो जनधन योजना से शुभारंभ होकर के आज हम लोग नोटबंदी और GST तक पहुंचे हैं, ये सारी की सारी योजनाएं किसके लिए हैं? गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, विकास के मुख्यधारा से जो पीछे छूट गए थे उनको मुख्यधारा में सम्मिलित करने के उद्देश्य से, उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सारी योजनाएँ चलाई जा रही हैं। सभापति महोदय, हमारा ये देश भारतवर्ष गाँव का देश है, किसानों का देश है। आज भी हमारी 80% आबादी गाँव में निवास करती है, कृषि पर निर्भर करती है। गांव और किसान के नाम पर वोट लेकर के तमाम सरकारें आई और गईं, लेकिन सही मायने में गांव और किसान की सुध लेने का काम किसी भी सरकार ने नहीं किया। और कृषि को हमारे समाज में प्राचीन समय से सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, इसीलिए कहावत भी थी कि उत्तम खेती मध्यम बाल निश्चित चाकरी भीख निदान। लेकिन कालांतर में शायद हमारी सरकारों की नीतियों की कमियां थी कि खेती जिसको सर्वोच्च दर्जा दिया गया था आज घाटे का सौदा बनकर बनती जा रही है, और किसान जो हमारा अन्नदाता है उसके हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। चूँकि हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत नीचे से उठ करके आज देश के सर्वोच्च शिखर पर पहुँचे हैं, गरीबों गरीबी में पैदा हुए हैं, गरीबी में पले बड़े हैं, गरीबों किसानों के दर्द को समझते हुए तमाम ठोस योजनाएं और नीतियां लेकर के आए हैं। सभापति महोदय, इस बार ही नहीं बल्कि हमारी सरकार ने जो 2016-17 तथा 2017-18 का बजट लेकर के आई थी उसमें भी स्वामीनाथन कमेटी के मूल सिद्धांतों को लागू करने का काम किया गया था। सभापति महोदय, हमारे किसानों के पास उपजाऊ जमीन है, लेकिन अपने खेत के मिट्टी की किस्म की जानकारी के अभाव में हमारा किसान उर्वरकों का अंधाधुंध उपयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में खेतों की उर्वरा शक्ति भी घटती जा रही है और उपज भी दिनों दिन कम होती जा रही है। ऐसी स्थिति में हमारी सरकार ने बहुत महत्वाकांक्षी मृदा हेल्थ कार्ड योजना लेकर के आई है, जिसके तहत प्रावधान किया गया है कि हर खेत के मिट्टी की स्वास्थ्य की जाँच होगी, हर किसान को एक मृदा हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें विस्तार से अंकित होगा कि आपके खेतों में किस तरह के पोषक तत्वों की कमी है, किस तरह के उर्वरकों की आवश्यकता है। इस तरह से उर्वरकों का संतुलित उपयोग करके हमारा किसान कम लागत में अधिक से अधिक उपज प्राप्त कर सकता है। इस तरह से हमारे किसान के जीवन में खुशहाली लाने का प्रयास हमारी सरकार कर रही है। जो सभापति महोदय, अगर हम सिंचाई की बात करें तो सिंचाई के बगैर खेती की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती है, लेकिन विडंबना है कि आज़ादी के 70 वर्षों बाद भी हमारी सरकारें हर खेत तक पानी नहीं पहुंचा पाई हैं। हमारे ही संसदीय क्षेत्र के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां आज भी उपजाऊ जमीन होते हुए भी हमारे किसान भगवान भरोसे खेती करने के लिए मजबूर हैं। ऐसी स्थिति में हमारी सरकार ने हर खेत तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। और हमारे क्षेत्र में जो सरयू नहर परियोजना 1975 से चल रही थी, लागत बढ़ती जा रही थी, लेकिन योजना पूर्ण होने का नाम नहीं ले रही थी। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने SSB प्रधानमंत्री जी का, सिंचाई मंत्री जी का, कि सरयू नहर परियोजना को केंद्रीय परियोजना में लेकर के उसका द्रुत गति से काम पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और काम बहुत तेजी के साथ हो भी रहा है। सभापति महोदय,
एक तरफ जहां हमारी सरकार टेक्नोलॉजी के माध्यम से कृषि की लागत को कम करने का उपाय कर रही है, वहीं दूसरी तरफ लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने का प्रावधान किया है जो सराहनीय है। एक तरफ जहां हमारी सरकार ई मंडी के माध्यम से किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने का काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ 86% से अधिक लघु एवं सीमांत किसानों को जो अपने उत्पादों को सीधे थोक बाजारों में बेचने की स्थिति में नहीं होते हैं, ऐसे किसानों की सुविधा के लिए मौजूदा 22,000 ग्रामीण हाटों को ग्रामीण कृषि बाजारों के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पुराने समय में इन्हीं हाट बाजारों में हमारा किसान अपना उत्पाद बेचा करता था और किसानों को लाभकारी मूल्य भी प्राप्त हो जाता था तथा उपभोक्ताओं को भी उचित दर पर और ताजे उत्पाद प्राप्त हो जाते थे। लेकिन पिछली सरकारों की नीतियों की वजह से जब से इसमें बिचौलियों का प्रादुर्भाव हुआ, तब से हमारे किसानों का शोषण शुरू हो गया, बिचौलिए माला माल होते गए और हमारा किसान बेदहाल होता गया। मैं समझता हूँ कि योजना से किसानों को शोषण से मुक्ति मिलेगी और बिचौलियों के प्रभाव खत्म होगा। योजना आधुनिकता के साथ साथ हमारी प्राचीन परंपरा को जीवंत करने वाली भी है। ऑपरेशन ग्रीन के माध्यम से टमाटर, प्याज, आलू, जिन्हें पूरे वर्ष में उपयोग में लाया जाता है, प्रसंस्करण तथा व्यावसायिक प्रबंधन के प्रोत्साहन के लिए 500 करोड़ की राशि का आवंटन किया गया है। इससे निश्चित रूप से इन वस्तुओं की कीमतों में स्थिरता आएगी। सभापति महोदय, विडंबना है कि कृषि प्रधान देश होते हुए भी हमारे देश का मौजूदा निर्यात सिर्फ 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का है, जिसको 100 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए 42 मेगा फूड पार्कों को अत्याधुनिक बनाने का प्रस्ताव सराहनीय है। किसान क्रेडिट कार्ड अभी तक सिर्फ किसानों को, खेती के किसानों को मिला करता था, उसको मत्स्य की और पशुपालन से भी जोड़ करके सराहनीय काम किया गया है। हमारे क्षेत्र में सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र में सिंचित इलाकों में जो है लोग वृक्षारोपण को प्राथमिकता देते हैं कि जब वृक्ष तैयार होने पर जो है उसको काट करके बेच करके अपनी बेटे बेटी की शादी निपटाते हैं और भी तमाम दैनिक काम करते हैं, लेकिन उसको बेचने में बहुत कठिनाई आती है। जिस तरह से बंबू को जो है पेड़ की परिभाषा से अलग किया गया, किसानों को राहत दी गई है। अभी पिछली हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसानों के हित में बहुत अच्छा निर्णय लेते हुए शीशम और सागौन को परमिट मुक्त किया गया था, उस पर एनजीटी ने रोक लगाने का काम किया है। मैं मांग करता हूं कि उस पर प्रभावी पैरकी करके किसानों को राहत दिलाने का काम किया जाए। सभापति महोदय, उज्ज्वला योजना के बारे में बताना चाहता हूं कि दुनिया 21वीं सदी में पहुंच गई, लेकिन विडंबना है कि आज भी हमारे देश की आधी आबादी, 50% आबादी, हमारी महिलाएं, हमारी माताएं बहनें चूल्हे पर खाना बनाने के लिए अभ्यस्त हैं और चूल्हे पर खाना बनाना उनके स्वास्थ्य के ऊपर कितना विपरीत प्रभाव डालता है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, जैसा कि विशेषज्ञों ने अवगत कराया कि एक बार चूल्हे पर खाना बनाने से जितना धुआं, जितना प्रदूषण होता है, 400 सिगरेट पीने के बराबर, जिसका सीधा शिकार हमारी महिलाएं, हमारी माताएं बहनें हो रही, तमाम तरह की बीमारियों से ग्रसित होती जा रही हैं, चाहे फेफड़े की टीबी और कैंसर तक का शिकार होती जा रही है, आंखों की रोशनी समय से पहले चली जा रही है। ऐसी स्थिति में चूंकि हमारे प्रधानमंत्री जी जो जिन्होंने स्वयं बयान करते हुए कहा कि बचपन में हमारी माता जी जो चूल्हे पर भगवान मान भगवंत मान अब